अभी तो मैं जा रहा हूँ कॉलेज। ये देखिए ये है आईटीआई के लड़के जो कि होनहार छात्र जो कि यहाँ पे मेरी आईटीआई की छुट्टी हो चुकी है और मैं इधर आ रखा हूँ चुनाधार की साइड। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। अभी सुबह के करीब 7 बज रहे हैं और आप बाहर का मौसम देख सकते हैं काफ़ी मस्त हो रखा है, मतलब बारिश का मौसम हो रखा है आज का। तो आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा कि मैं दुपट्टा एक्सप्लोर करने वाला था बट किसी कारण से मैं दुपट्टा एक्सप्लोर नहीं कर पाया और थोड़ा सा वीडियो बना, बट आज की वीडियो में आपको दुपट्टा देखने को मिलेगा। तो मैं आज आपको दुपट्टा घुमाने वाला हूँ, तो लेट्स सी ब्लॉग पे अंत तक बने रहिए और चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए आज यहाँ पे बन रही है सब्जी, गोभी और आलू की सब्जी बन रही है यहाँ पे। तो आपको ये पीछे पत्ते दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले पत्ते ये हैं तेड़ू के पत्ते। इससे क्या होता है कि जब इसकी नीचे ये जड़ होती है ना, नीचे यहाँ पे जड़ है इसकी, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको खोद के निकालना पड़ता है तब जाके ये टेढ़ों निकलता है। और इसके बाद इसकी सब्जी बनाई जाती है जो कि बहुत मस्त होती है। एक दिन बताऊंगा आपको कि इसकी सब्जी कैसी बनाई जाती है। और अंदर देखो ज्योति हो रही है तैयार स्कूल के लिए। और अंदर का माहौल देखो, अंधेरे सा रखा है अंदर। तो चूरे हैं मेरे पास इन सारी रोटियों के, तो इनको फेंकते हैं यहाँ पे, देखते हैं किस प्रकार से आते हैं। अरे भाई साहब ये देखो किस तरीके से भाग के यार खाने लगे। यहाँ से हमारा गांव कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये देखो। फिलहाल तो मैं घर से निकल चुका हूँ दुपट्टा के लिए और मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ अपने गांव की सड़क से ऊपर मेन सड़क तक। वहाँ से पकड़ने मेरे को बस, लेट्स ही चलते हैं। यहाँ से देखो जो हमारे घर से जो पल्ले साइड दिखाई देता है ना, ये है मोहरा, वहाँ भी सड़क जा रखी है। और इधर है नौगांव। और फाइनली मैं ऊपर यहाँ पे पहुँच गया, नीचे से मैंने शॉर्टकट लिया नीचे से सीधे यहाँ पे तक और ऊपर आ गई मेन सड़क, ये देखो। तो आपको जो पीछे रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ आप स्टे कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ दुपट्टा से आगे घूमने हैं तो आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। ये देखो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे चेक कर सकते हैं रोहिणी विलेज होम स्टे, जो मैंने आपको पीछे जो स्टे होम स्टे दिखाया ये वाला है वो। आप देख सकते हैं भदाली खाल पोस्ट ऑफिस देवखाल नियर दुपट्टा के पास में ही। यहाँ से एक सड़क गई है नीचे को, कच्ची सड़क, इसी पे है वो नीचे तक। वो रहा देखो यहाँ से ये सड़क। जो आपके सड़क दिखाई दे रही है ना, ये इधर की साइड जाती है दुपट्टा को, दुपट्टा कोरदार इधर की साइड जाती है और ये इधर जाती है सतपुली पौड़ी श्रीनगर की ओर जाती है वाली सड़क। यहाँ पे बीच में है ये दुपट्टा और सतपुली के बीच में, मतलब दुपट्टा और गुमखाल के बीच में ये रोहिणी विलेज होम स्टे हैं। अब तो मैं हूँ यहाँ पे मेन सड़क पे और अभी मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी 9 बजे एक बस आएगी तो उसमें जाऊँगा मैं, तो देखते हैं कब तक बस आती है और फिर निकलते हैं दुपट्टा। ये लोग भी पहुँच गए और फाइनली हमारी बस आ गई, चलिए चलते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं दुपट्टा पहुंच गया हूं
और मेरे साथ है अंकित। और अभी तो मैं आईटीआई जा रहा हूँ, उसके बाद आपको दुबट्टा घुमाऊंगा। A few moments later. तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है दुगड्डा की चौकी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है दुगड्डा की चौकी। चौकी ये चेक पोस्ट है, यहाँ पे पैरल बोलते हैं जिसको, ये यहाँ पे है। और आगे आप देख सकते हैं कई सारी गाड़ियाँ लगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला रास्ता जाता है सीनीखाल की ओर, और ये वाला जाता है सीधा सतपुली की ओर, ये बाज़ार की ओर जाता है, बाज़ार से यहाँ पर दुगड्डा बाज़ार की ओर, और ये वाला कोडार से आता है। आप देख सकते हैं हम है दुगड्डा के पुल पे, और आगे ये रहा बाजार, और यहाँ पे पुराना पुल था जो कि अब बंद हो चुका है, नया पुल होना है। ये देखिए ये है आईटीआई के लड़के जो कि होनहार छात्र जो कि यहाँ पे बाजार पे घूम रहे हैं। और यहाँ पे से नीचे जाता है सुभाष बाज़ार की ओर, और आप देख सकते हैं कई सारी दुकानें हैं यहाँ पे, जैसे ये रहा हेडपम्प है यहाँ पे। ये रहा पंजाब नेशनल बैंक, ये रहा एटीएम है यहाँ पे। और ये वाला रास्ता जाता है इंटर कॉलेज को, ना जाकर फिर ना जाकर वो बाद में कॉलेज पे रास्ता, और ये वाला जाता है हमारे आईटीआई कॉलेज में। यहाँ तक और यहाँ पे है सांस्कृतिक रंगमंच, यहाँ पे रामलीला होती है, यहाँ पे दुगड्डा में रामलीला होती है, देखो है ना। और ये देखो हिमांशु और हिमांशु सामने सामने, और यहाँ पे आईटीआई के बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पता नहीं किस चीज़ का, बट यहाँ पे चल रहा है कुछ काम। ये देखो ये रहा हमारा आईटीआई कॉलेज, ये रहा उसका गेट, नरेगा का काम चालू है। ये देखो नरेगा का काम चालू है। ये रहा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दुगड्डा, ये रहा हमारा आईटीआई कॉलेज। तो यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आईटीआई के। मेरी आईटीआई की छुट्टी हो चुकी है और मैं इधर आ रखा हूँ चुन्नाधार की साइड। आप देखो ये है चुन्नाधार का पानी, आप आगे देख सकते हैं। ये देखो ये रहा चुन्नाधार का पानी। यहाँ आप देख सकते हैं पहाड़ों से निकलकर ये पानी यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे बनाया गया है ऊपर पहाड़ों से निकलकर, पहाड़ों के बीच से निकलकर ये पानी आता है। ये देख सकते हैं आप, कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है यहाँ का, बहुत ठंडी जगह है यहाँ पे, और ऐसा व्यू, कई सारे यहाँ पे नल बनाए गए थे। और आप देख सकते हैं जब आप कोडार से आएंगे तो ये वाला रास्ता जाता है आईटीआई को। अगर आप इधर कोडार चुन्नाधार इधर है, और इधर है दुगड्डा, और ये रास्ता जाता है आईटीआई को। आप देख सकते हैं अभी हम दुगड्डा बाज़ार में हैं, और आज का मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है, मतलब ठंड वाला मौसम हो रखा है आज का। तो ये हैं गाइस मेरे क्लासमेट हैं, मेरे आईटीआई क्लासमेट, और ये सारे यहाँ पे घूम रहे हैं। तो ये हैं
अमन भाई और ये है हिमांशु शिवम और ये है अंकित और ये रहा दुगड्डा बाजार। आप देख सकते हैं काफ़ी फेमस मार्केट है हमारा है दुगड्डा, आप वहाँ पे देख सकते हैं दुगड्डा। और अभी हम यहाँ पे बस का इंतज़ार कर रहे हैं बट अभी बस आ नहीं रही है। इन सभी लोगों को जाना है इधर डाडा मंडी कांडा खाल की साइड। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे और क्लासमेट और नेगी जी, और देखो देखो हाथ हिला रहे, देखो देखो पहचान गए, देखो देखो पहचान गए। अब यहाँ पे इधर इधर है डाडा मंडी साइड, तो इधर की साइड कल सौरभ भाई गए थे, सौरभ भाई इधर की साइड गए थे। और यह है कोड़ार का रास्ता और इधर है दुगड्डा, और मतलब ये हमारी साइड जाता है देवीखाल की साइड। और अभी तो फ़िलहाल मैं घर पहुंचने वाला हूं, मैं उतर गया था अपनी यहां पे सड़क पर उतर गया था, तो अपने कच्चे रास्ते मैं घर जा रहा हूं। तो आज के ब्लॉग में आपने देखा मैंने आपको दुगड्डा घुमाया, जब मेरी आईटीआई की छुट्टी हो गई थी तब मैंने आपको दुगड्डा घुमाया। तो आई होप मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया दुगड्डा के बारे में, तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट देते रहता हूँ। और ये देखिए फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे पहुँच गया अपने गांव के सबसे ऊपर वाली सड़क में, वो रहा मेरा घर, यहाँ पे बीच में मेरा घर है और मैं पहुँच गया। चलिए आज के ब्लॉग को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो हे गाइस, आप पीछे यहाँ पे देख सकते हैं ये है चाय की दुकान जो कि दुगड्डा के बीच में है, और ये रहा दुगड्डा का मार्केट। ये रास्ता जाता है कोड़दार को, यहाँ से आगे कोड़दार को, और यहाँ पे आगे एक चुन्ना धार है, पानी आता है।